इकाई एक जीव जगत में विविधता। इकाई एक जीव जगत में विविधता, इसमें अध्याय एक जीव जगत, अध्याय दो जीव जगत का वर्गीकरण, अध्याय तीन वनस्पति जगत और अध्याय चार प्राणी जगत आते हैं। जीव विज्ञान सभी प्रकार की जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव पदार्थों, प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीव विहीन स्वरूप में उन्होंने जो सामान्य विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन जिनमें मानव भी शामिल था मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भिद विज्ञान में संलग्न थे, वे जीव वैज्ञानिक रूप में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्ग की विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने वस्तु विस्तृत पहचान प्रणाली नाम पत्ती तथा वर्गीकरण पत्ती की आवश्यकता प्रदान की। इस प्रकार के अध्यायों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान में सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्याय में आप वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन कर पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मेयर 1904 से 2004। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास वर्ग जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं सदी का डार्विन कहा गया अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य क्षेत्र में उनका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। मेयर ने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान की केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही अब उन्होंने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकरण की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बालजान प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्रॉफर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 में स्वर्गवासी हुए। चैप्टर फर्स्ट जीव जगत। चैप्टर फर्स्ट जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीव के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय जिले, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल और आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थिति की विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग तथा या अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस प्रश्न पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। पॉइंट फर्स्ट, जीव क्या है। जीव क्या है, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम अपराय जीव को सुस्पष्ट लक्षणों देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीव के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के बार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के दिव्य युग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह आयु वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट उद्गम में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशेष घटनाएं हैं।
हमें याद रखना चाहिए कि जीव के बाद में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के बार में भी वृद्धि होती है। पर्वत गोलास में तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करने ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। इसी प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चपड़ाकर्मी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर की लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतु में सेवार मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु बैक्टीरिया एक कोशिकीय सेवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा बाद में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते, खेसर या खच्चर, बंद्य कामगार मधुमक्खी, अन उर्वर मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों को समग्र विशेष लक्षण नहीं हो सकता, यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापच्य है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं हैं। सभी जीव चाहे वे बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक हो में हजार उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे प्राणियों कवक फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। जीव के शरीर से बाहर प्रक्रिया में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। अतः उपापचय क्रियाएं निरपराध जीव के विशिष्ट गुणों के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। क्या सभी जीवों का सबसे सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है के प्रति संवेदनशीलता अथवा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश पानी ताप अन्य जीवों प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजननों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अथवा सवचेतन है, इसलिए चेतना जीव को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो सकती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीव को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू करने के लिए मशीनें लगाई होती है। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है, रोगी में सवचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी को जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आते तो क्या हम उन्हें जीव या निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उनमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। उत्कों के गुण कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक क्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदाक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। जीव जगत में विविधता।
पॉइंट टू जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी पौधे हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट है, यदि आप किसी सघन वन में जाए तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या अथवा प्रकार कहते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, जो शायद इसे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पत्ती कहते हैं। स्पष्ट है, नाम पत्ती तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव विज्ञानियों ने स्वीकार किया है। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN ने दिया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है प्राणी वर्गीकरण विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व में जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाए। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशेष अथवा जाति संकेत पद है। नाम पत्ती के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। पहला, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन भाषा को उद्भव दर्शाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मेंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण, मेंजीफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्ता तथा बिल्ली तथा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंबित बनता है? स्पष्ट, आप कुत्ते को ही देखेंगे न कि बिल्ली को। अब एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है।
पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की परिस्थिति की सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पत्ति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण का आधार है। वर्गीकी कोई नई नहीं है, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर रख चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकी संवर्ग पॉइंट 3, वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं और सभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्ग टैक्सोन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है, जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूह है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन में सामान्य संवर्ग जैसे किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधे के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब यह आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इनके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उनके गुणों के ज्ञान का होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा भिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज जाति पॉइंट 5, स्पीसीज जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम क्यूबेरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शहर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबेरोसम तथा लियो जाति शब्द जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा शब्द वंश के नाम है और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलंजोना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है, जो हमें होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश जीनस पॉइंट 2, वंश जीनस। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण है, ये सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। कुल पॉइंट 3, कुल। अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं।
कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण के है। उदाहरण, पौधे में तीन विभिन्न वंश सोलेनम पिटूनिया तथा दजूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर बाघ चिताते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आप दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी, जिन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनेडी तथा फेलेडी में रखा गया है। गण ऑर्डर, आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इनमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनवनुलेसी सोलेनेसी को पोनिमोनियल्स में गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। वर्ग क्लास, क्लास इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण, प्राइमेटा गण जिसमें बंदर गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम, फाइलम वर्ग जिसमें जंतु में मछली उभयचर सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जात किंगडम, जगत किंगडम जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है जिससे कि उन्हें पौधे से अलग किया जा सके। पौधे को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। यह संवर्ग है, यद्यपि वर्गीय की विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बनाए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा से संबंधित निर्धारित करने पर अधिक कठिनाई हो जाते हैं, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीव जैसे गरुड़ मक्खी मानव आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय की संवर्ग को दिखाया गया है। तालिका 1.1 वर्गीय की संवर्ग सहित कुल जीव मानव होमो सेपियंस वंश होमो होमिनिडी गण प्राइमेटा वर्ग मैमेलिया संघ कॉर्डेटा गरुड़ मक्खी मस्का डोमेस्टिका वंश मस्का कुल होम्यूसिडी गण डिप्टेरा वर्ग इंसेक्टा संघ आर्थ्रोपोडा आम मैंजिफेरा इंडिका वंश मैंजिफेरा कुल एनाकार्डियसी गण सेपिंडल्स वर्ग डाइकोटिलेडिन संघ एंजियोस्पर्मी गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम वंश ट्रिटिकम कुल पोएसी गण पोएल्स मोनोकोटिलेडिन संघ एंजियोस्पर्म। वर्गीय की सहायता साधन जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधे तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीय की अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण प्राणी विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हें नमूने से ही संचय कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूनों को भविष्य में अध्ययन के लिए परिलक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिलक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय में पौधे के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिलक्षित करते हैं।
इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। यह नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गी की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। हर्बेरियम वर्गी की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। वनस्पति उद्यान बॉटेनिकल गार्डन। वनस्पति उद्यान बॉटेनिकल गार्डन इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधे का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत तथा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। संग्रहालय म्यूजियम वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालयों तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित गोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहां तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। कुंजी अथवा चाबी पॉइंट। कुंजी अथवा चाबी यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विप्रयासी लक्षणों जो प्राय जोड़ो युग्म जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गी की संवर्ग जैसे कुल वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गी की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका मैनुअल मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र कैटेलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करता है। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उनके वास स्थानों में के विषय में जानकारी होती है। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधे की स्पीसीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। सारांश जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा उनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीसीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया तथा उसे द्विपद नाम दिया गया। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग या पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीकी संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। जैसे भी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीकी विदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीकी साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन
वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों के एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधे तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीकी विदों ने वर्गीकी अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीकी कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है। चैप्टर समाप्त हुआ।